कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। तो बच्चा, लास्ट टाइम हमने काम क्या किया था अगर आप लोगों को याद हो, आज हम अपने वैसे एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं जो कि हमारा है जी लेक्चर नंबर 10, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज हम 1.5 में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने के मराहिल की तरफ दाखिल हो चुका है। इसके बाद हमारी सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गई है, उसके बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज आएगी और चैप्टर हमारा वहां पर खत्म हो जाएगा। तो आज हमने पहले तो हम पिछली तरह डिस्कशन कर लें। प्रीवियस डिस्कशन में हमने क्या बात की थी, हमने वहां पर सबसे पहले सीखा था डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 2x2 मैट्रिसेस का। फिर हमने ये सीखा जी हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का हमें कैसे पता चलता है। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस निकाला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का। और उसमें मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था जी हमारा, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कौन सा है, 1 0 0 1, यानी कि जिसके डायगनल एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं जी, 0 होते हैं। ठीक है, तो चलें बाकी एलिमेंट सारे 0 और जो डायगनल एलिमेंट्स वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे। अच्छा जी, तो बात हम आज हमने एक नया अब उसमें हमने फिर एक्सरसाइज 1.5 के पहले 3 क्वेश्चंस भी किए थे, आज हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हैं। पहले क्वेश्चन हमने डिटरमिनेंट निकालना था, दूसरे क्वेश्चन में हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर का पता करना था और तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था जो कि हमारी मेन चीज थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आज हम अपने चौथे लेक्चर के साथ हाजिर हैं और वो चौथे लेक्चर के अंदर सॉरी चौथे क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। इसमें देखिए हमें लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए टू ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये तीनों चीजें सेम आती है। तो इसका मतलब हमने लेफ्ट साइड, मिड और राइट साइड को सॉल्व करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड मिड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ए का एडजॉइंट होना चाहिए। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स है और वो क्या है जी, 1 2 4 एंड 6, ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, ए मैट्रिक्स। हमने लेना है इसका एडजॉइंट, तो पहले हम जरा इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट इसका कैसे लेंगे, ले जी एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी, तो एडजॉइंट कैसे लेते थे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि एडजॉइंट आप लोगों ने इस तरीके से लेना है कि आपने डायगनल एलिमेंट्स की जगह को चेंज कर देना है और बाकी एलिमेंट्स के आपने साइन चेंज करने हैं। तो बेटा जब हम इनको साइड पे करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 1, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि आपने ए को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, ये आपका ए मैट्रिक्स है 1 2 4 एंड 6, ले जी ये आपका ए मैट्रिक्स है। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट लिख देते हैं, एडजॉइंट में हमारे पास क्या है जी, ये एडजॉइंट हमारा 6 -2 -4 और 1। अच्छा, मैंने आपको दो तरह से मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, एक तो मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई थी कौन सा एलिमेंट कहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है, दूसरा हमने सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई करके हमने बताना था। तो आज मैं आपको सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए बच्चे, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कैसे ये मल्टीप्लाई होगा, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा, दरमियान में हमेशा प्लस होता है, 2 -4 से मल्टीप्लाई करेगा -8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहला पहले के साथ, 1 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2, दरमियान में प्लस, और 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये रो अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 20, दरमियान में प्लस, 6 को -4 सॉरी 24, और 6 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, दरमियान में प्लस, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब बेटा अगर आप गौर करें तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, ये प्लस और माइनस भी क्या हो गए, कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस
सिक्स में से आप एट को माइनस कर दें, आपके पास ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, जरा गौर करिएगा कि सिक्स में से जब आप एट को माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों वैसे कैंसिल हो गए हैं तो इधर भी जीरो आ जाएगा और इधर भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। और माइनस एट प्लस सिक्स क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस टू हो जाएगा। ले जी, ये आपका यहां पर माइनस टू आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह ले, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम आते हैं मिड साइड पे। तो मिड साइड पे हम क्या करेंगे, पहले हमने ए एडजॉइंट ऑफ ए को बाद में रखा था और ए को पहले रखा था, अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखना है और ए को बाद में रख के उसको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे इसकी राइट साइड पे चलते हैं अब। तो राइट साइड इसकी हमें क्या कहती है जी, कि एडजॉइंट ऑफ ए को आपने रखना है पहले, ठीक है, और ए को रखना है बाद में। उसके बाद अब हम यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, सिक्स माइनस टू माइनस फोर और वन। उसके बाद हमारा ए क्या है, ये हमारा ए है, तो इसको ए को यहां लिख देते हैं, वन टू फोर एंड सिक्स। ले जी, इसको हमने यहां पर लिख दिया। अब हम उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने इसको किया था, ठीक है। तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन, इधर आ जाएगा सिक्स, दरमियान में हमेशा प्लस, माइनस टू जब फोर से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एट आ जाएगा। अब इस रो ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना, तो अगेन पहला पहले से सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू ट्वेल्व, दरमियान में प्लस, और माइनस टू को जब सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, अब इस रो को इस कॉलम के साथ माइनस फोर को वन से करेंगे, माइनस फोर दरमियान में प्लस, वन को फोर से करेंगे फोर आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू को फोर, माइनस फोर को टू से करेंगे माइनस एट, दरमियान में प्लस, सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ जाएगा। तो अगेन प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल। तो देख रहे हैं यहां भी सिक्स माइनस एट था तो क्या था, माइनस टू, तो यहां भी सिक्स माइनस एट है तो यहां पर भी आपके पास क्या आ गया, माइनस टू आ गया। ये दोनों तो वैसे ही जीरो हो गए, माइनस एट प्लस सिक्स आपका अगेन माइनस टू आ गया। इसको आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो अभी तक तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वन यानी कि राइट साइड और मिड साइड, बल्कि यहां पे हमारे पास आएगी मिड हैंड साइड, सॉरी, ठीक है जी। तो ये आ गई मिड साइड, हमारे पास ये दोनों क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। अब हम अगर राइट साइड की तरफ आए, नाउ अगर हम राइट साइड को देखें तो उसमें हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट लिया गया है। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में लगाया माइनस, और फिर बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, एज वी नो दैट, ए की वैल्यू पहले लिख लें, यहां पर ए क्या है, वन फोर टू सिक्स। अब यहां पे लिखें आप, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। तो यहां पे जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये सीधा साइन या ये लगा लें आप यहां पर, या फिर इसकी जगह ये लिख लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा दें, वन फोर टू सिक्स। अब पहले डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिक्स वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये सिक्स आ जाएगा, और फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा, सिक्स में से एट माइनस कर दें, माइनस टू आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इस डिटरमिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। तो राइट साइड पे अब हम चलते हैं, राइट साइड पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, वन जीरो जीरो वन। अब ये जो माइनस टू है ये अंदर बड़े हुए हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो चले वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट नहीं करना तो ऐसे करें, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय जीरो, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय जीरो, एंड देन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन। तो आपने क्या किया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस टू वन से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस टू ही रहेगा, ये जीरो, ये भी जीरो, और ये माइनस टू। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दूं, तो हमारे पास साफ नजर आ रहा है इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, ये तीनों क्या आ गए हैं, सेम। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, अगर आपने ये सारा लिखना है यहां पे तो ये लिख दें, ठीक है, वरना आप ये लिख दें लेफ्ट साइड
इज इक्वल टू मिड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ठीक है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर सॉल्व होता है। तो चले मैं बीच में लाइन लगा देता ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, ले जी, ये बीच में लाइंस लग गई हमारी। ठीक है, तो ये बेटा मैं थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूं, फटाफट जरा इसको नोट कर लें ताकि हम अपना अगला काम जो है उसको स्टार्ट करें। जी बच्चों, तो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट तो हमने कर लिया, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बच्चे, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो आज हम क्या करेंगे, उसी बात को यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। हम पहले बी का इनवर्स निकाल लेंगे, फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। तो चाहे आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास बी का इनवर्स होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था जी, के जी एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटरमिनेंट, ये हमारा फॉर्मूला था जी। ठीक है, तो पहले हम बी का इनवर्स निकालेंगे और उसके बाद अगला काम करेंगे। तो बेटा जी, बी क्या है, सो नाउ यहां पे इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, यहां पे हमारे पास बी क्या है, बी है जी ऊपर लिखा हुआ है 3 -1 -2 और -2। तो पहले तो जरा इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। यहां पे लिखते हैं जी टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बेटा ये डिटरमिनेंट का साइन यहां पे आ जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, और इधर वही साइन 3 -1 -2 -2। ठीक है, तो यही है जी ये प्लस टू है जी। चले, अच्छी बात है, शुरू में देख लिया वरना एंड पे गलत हो जाता। तो बेटा पहले डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट के लिए, दरमियान में माइनस और फिर बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 से करेंगे -6 आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बेटा b का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ b। सो यहां से एडजॉइंट ऑफ b हमारा क्या निकलेगा, डायगनल एलिमेंट्स की जगह को चेंज करेंगे, ये डायगनल एलिमेंट्स हैं -2 इधर और 3 इधर, फिर बाकी एलिमेंट्स चेंज, बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज, 1 हो गया ये और ये -2 हो गया, सो पुट इन 1। अब जब इसको 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b -2 1 -2 3, और नीचे हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट, और वो क्या है -4 इधर -4। अब आप यहां से एक काम करें कि ये जो नीचे वाला -4 है इसको इस तरह से अलग कर दें। ठीक है, और ये इधर लिख दें। ये मैंने क्यों किया है ये मैं अभी अभी आपको आगे बताता हूं। 1 -2 3, क्योंकि जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसके ऊपर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, ले जी, हमें बी इनवर्स की जरूरत थी, हमने बी इनवर्स यहां से निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट अब हमने राइट साइड लेफ्ट साइड में हमने क्या करना है, पहले तो लेफ्ट साइड से चलते हैं। जी लेफ्ट साइड में क्या है, b को b के इनवर्स से, यानी कि b इधर, ठीक है, b का इनवर्स इधर। ले जी सबसे पहले तो b लिख लेते हैं, ये आपका b है, इधर आ जाएगा 3 -1 2 -2, और ये माइनस b है, तो इधर आपके पास आ जाएगा, बस जरा इसको सही तरीके से लिख ले, यहां बेटा आपके पास आ जाएगा क्या है 3 2 -1 और -2। उसके बाद आ जाएगा ये सारा लिखना है आपने 1 ओवर -4, और इधर आ जाएगा -2 1 -2 और 3। अब आप एक काम करेंगे, ये बीच में जो 1 ओवर -4 है इसको जरा शुरू में ले आए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू आगे पीछे चली भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा यहां आ जाएगा 1 ओवर -4, और इधर 3 -1 2 -2, और इधर क्या आएगा -2 1 -2 और 3। ले जी, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जरा आसान हो जाएगी क्योंकि बीच वाला जो वैल्यू थी वो बाहर चली गई है। तो चले अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा -4, और इधर अब मल्टीप्लाई करें ये इसके साथ, तो बेटा 3 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, दरमियान में प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर ये इस रो के इस कॉलम के साथ,
थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री दरमियान में प्लस, माइनस वन को थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो टू को माइनस टू से करेंगे माइनस फोर, दरमियान में प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, फिर इस रो को इस कॉलम से, टू को वन से करेंगे टू आ जाएगा, दरमियान में प्लस, प्लस माइनस माइनस, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का सिक्स। तो ये तो सिंपल हो गया, देखिए जी यहां से ये प्लस का और माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ यहां से वन ओवर माइनस फोर आपका वैसे ही रहा, ठीक है। अब बेटा माइनस सिक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर, ये दोनों वैसे ही जीरो हो गए, और इधर भी टू माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, माइनस फोर। अब ये देखिए हमारे पास बाहर ये डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस कि अंदर पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस फोर, ठीक है, फिर जीरो डिवाइडेड बाय माइनस फोर, एंड अगेन माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस फोर। तो एक तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया सारा, इधर बचा वन, ये भी जीरो रहा, ये भी जीरो रहा, और ये भी क्या हो गया कैंसल, ये भी बचा वन। तो देखने बेटा आपके पास बी को जब हमने बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर टू, वन होगी हुई है तो चले टू कह देते हैं इसको, ठीक है। इसका जो बाकी पार्ट है वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, उसमें आपने सिर्फ इतना काम करना है कि इस पूरी वैल्यू को पहले लिख लेना है और इस मैट्रिक्स को आपने बाद में लिख लेना है, तो उसी तरीके से पहले आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, बाहर बचेगा वन ओवर माइनस फोर, उसी तरह से आपने अंदर क्या करना है उसको डिवाइड करना है, तो उसमें आपने सिर्फ बी इनवर्स इसको पहले रखना है और बी वाला जो है उसको बाद में रखना और मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बेटा फिर हम इसको सारा करने के बाद इसकी इसकी जब कौन सी राइट साइड, इसकी राइट साइड को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी राइट साइड को, तो यहां से क्या होगा कि बी इनवर्स बी जो है वो भी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आप कहें इक्वेशन टू, तो यहां पे लिख दें फ्रॉम वन एंड टू बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, तो फटाफट इसको नोट कर लें ताकि हम अपना अगला काम करें जी बच्चों। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फोर को भी हमने कंप्लीट किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है जी कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि हमने ये उसको वेरीफाई करना है या उसको देखना है, उसकी तस्दीक करनी है, क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका, करना क्या है आपने, इस पहले मैट्रिक्स को पकड़ लें, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने से ये आंसर आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, लेकिन अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने से ये आंसर नहीं आता तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो पहले इसका इनवर्स लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ये आंसर आता है या नहीं आता। इसको आप लेट कर लें किसी भी नंबर के इक्वल, चले कोई नंबर एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने करना आपने कैपिटल लेटर, ये लेट ए से जी तक कोई भी लेट कर ले आप, वैसे ज्यादातर एबीसी चलते हैं लेकिन चले मैंने एक्स कर लिया, कोई मसला नहीं, आप एबीसी कर लीजिएगा। इनवर्स कैसे लेंगे, एडजॉइंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का डिटरमिनेंट, इसको इक्वेशन वन कह दें आप, तो पहले जरा इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। सो नाउ क्या करेंगे, एक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है जी, यहां पे आ जाएगा थ्री फाइव फोर सेवन, पहले डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे जैसा कि आपको पता है, थ्री इंटू सेवन दरमियान में हमेशा माइनस, जब भी आपने डिटरमिनेंट लेना है, फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव ट्वेंटी, सॉरी फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव पहले लिख रहे थे हम, तो बेटा थ्री हो जाएगा ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी, तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो एक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, इसका एडजॉइंट, सो नाउ इसका एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ एक्स में हमें पता है कि हम क्या करेंगे, डायगनल एलिमेंट्स की जगह चेंज, नहीं जी सेवन इधर और थ्री इधर, सेवन इधर थ्री इधर, ठीक है,
और बाकियों के एलिमेंट्स ना सॉरी ना साइन चेंज -5 और -4। सो किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर वन में पुट इन इक्वेशन नंबर वन। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ एक्स सॉरी एंड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ एक्स। अब जब भी किसी भी फ्रैक्शन के नीचे वन आता है तो वो हमें वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इस वजह से इस वन को हम यहां से हटा देंगे। तो एक्स इनवर्स हमारा किसके इक्वल आ गया? 7 -5 -4 एंड 3। तो क्या जरा गौर करके बताएं कि हमने इसका इनवर्स लिया तो क्या हमारे पास ये वाला आंसर आ गया? मेरे ख्याल से तो आ गया क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम आए हुए हैं। सो इसका मतलब ये है, सो यहां लिखेंगे सो वेरीफाइड वेरीफाइड गिवन गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। गिवन मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेटा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो फटाफट इसको नोट कर लें जी बच्चों। तो अब आपको मेरे पीछे इस एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। जहां तक मैं आपको बता दूं कि आपकी क्वेश्चन जो जितने भी आपने अभी तक चैप्टर पढ़ा है उस इस पूरे चैप्टर का ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है। घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आपने वही काम करना है जो आप लोग करते आ रहे हैं, आपने इनवर्स लेना है। देखिए यहाँ पे आपको तीन इनवर्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है? आपने इनवर्स लेने हैं बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है? या मल्टीप्लीकेशन करनी है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें बड़ा ही आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें आप लोगों ने टेंशन में नहीं आ जाना कि जी सर ने कह दिया बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बस अपना फोकस जो है वो सारा इस क्वेश्चन के ऊपर रखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसमें क्या है जी। देखिए बेटा सबसे पहले लिखा हुआ जी, जैसे ये वही ट्रांसपोज लॉ की तरह है, जैसे आप लोगों ने ट्रांसपोज लॉ पढ़ा था ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बस वैसे ही करना है। वहां हमने ट्रांसपोज लिए थे, यहां पे हमने क्या करने हैं? इनवर्सेस लेने हैं, ठीक है? तो इनवर्स लेने के लिए हमें आपको पता है कि जी दो चीजों की हमें जरूरत है। कौन कौन सी? एक हमें जरूरत है किसकी जरूरत है जी? एक हमें जरूरत है जी एडजॉइंट की और एक डिटरमिनेंट की। लेकिन यहां पर कह रहा है कि ए बी का इनवर्स है, तो ए बी के इनवर्स के लिए पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए बी को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ले जी 4 0 -1 2, और उसके बाद यहां क्या है आपके पास? -4 -2 1 -1। ले जी अब जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है कि ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा, ठीक है? दरमियान में प्लस, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है? फिर इस रो को इस कॉलम से 4 प्लस माइनस माइनस 4 to 8, ठीक है? और दरमियान में आएगा प्लस, 0 -1 से मल्टीप्लाई करेगी तो 0 आ जाएगा, ठीक है? ओके चले नेक्स्ट हम करते हैं जी। इस रो को इस कॉलम के साथ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, दरमियान में प्लस, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। तो बेटा यहां से हमारे पास क्या रह बचेगा? इधर बचेगा -16, ठीक है? इधर बचेगा -8, इधर बचेगा 4 to 8, ठीक, 4 4 + 2 6, और इधर आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 0। ले जी ये हमारे पास क्या आ गया है? ये हमारे पास आ गया है जी ए बी। ले जी ये ए बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ए बी का इनवर्स चाहिए। तो अब हम आते हैं हमारी लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड में है ए बी का होल इनवर्स, तो क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटरमिनेंट। ले जी ये हमारे पास यहां पर निकालना है हमने, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो पहले जरा ए बी का डिटरमिनेंट निकालें। दिस इज आर ए बी, तो यहां पे नाउ अब हम यहां पे क्या करेंगे? ए बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है? तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या है जी? -16 है, -8
सिक्स एंड जीरो, पहले डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे जी, तो क्या आएगा माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय जीरो, दरमियान में माइनस, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, ये हो गया जीरो, माइनस माइनस प्लस 6 8 48। तो बेटा जी ए का, ए बी का डिटरमिनेंट क्या आ गया 48 आ गया। ले जी अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एंड यहां पे लिखेंगे जी एडजॉइंट ऑफ ए बी, कैसे लेते हैं जी एडजॉइंट, आपने डायगनल एलिमेंट्स की जगह को चेंज करना है, ये आपके ये आपके डायगनल एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह चेंज कर दें आप जीरो और माइनस 16, ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, बल्कि इसको इस काम करते थोड़ा सा इधर करके लिख लेते, एडजॉइंट ऑफ ए बी ले जी, अब सही ठीक रहेगा, वहां जगह बच जाएगी, ले जी क्या आ जाएगा जीरो और ये आएगा माइनस 16, ठीक है जी ओके। देन हमारे पास क्या है जी, इनके इनकी साइन चेंज, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस और ये माइनस। तो अब हमारे पास डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, किसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो यहां आ जाएगा पुट इन इक्वेशन नंबर वन। तो यहां पे है जी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, जीरो माइनस सिक्स एट माइनस 16 डिवाइडेड बाय 48, क्यों, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट 48 है। अब डिवाइड हो रहा है तो इट मींस कि अंदर पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर क्या आएगा जी 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, फिर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 48 एंड देन माइनस 16 डिवाइडेड बाय 48। ले जी अब 0 और समथिंग तो हमें पता है हमेशा 0 ही होता है हमारा, ए बी का इनवर्स हमारे पास आने लगा है, हमारी लेफ्ट साइड सॉल्व होने लगी है, क्या है जी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ये 8 1 8 8 6 48, यहां आ जाएगा 1/6, फिर 6 1 6 और 6 8 48 माइनस 1/8 ओके। देन हमारे पास आ जाएगा 16 1 एंड 16 3 माइनस 1/3 ले जी, ये हमारे पास क्या आ गया ए बी का इनवर्स, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया क्योंकि वन हम पहले कह चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक साइड जो है वो हमारी सॉल्व हो गई है, अब हमने चलना है हमारी राइट साइड पर, ठीक है। तो राइट साइड में हमें पहले बी का इनवर्स लेंगे, फिर ए का इनवर्स लेंगे और फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फटाफट जरा इसको नोट कर ले। चले जी अब हमने पहले बी का इनवर्स ए का और बी का इनवर्स लेना है और फिर हम इनको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ले जी चल अब करना क्या है देखते जाए जरा, अब हम आते हैं, वो मैंने इस वजह से नहीं बताया, वो मैंने इस वजह से रेज नहीं किया क्योंकि हमने इसी जैसा आंसर निकालना है, तो हम आगे देखेंगे हमारा इस जैसा आंसर निकला तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। ले जी अब हम आते हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है बी का इनवर्स निकालना है हमने, क्या फॉर्मूला है जी एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटरमिनेंट, ठीक है वो इक्वेशन 2 थी इसको आप 3 कह लें, ठीक है। और दूसरी तरफ है जी ए का इनवर्स और वो है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। चलिए जी ये दोनों जो हमारे पास फॉर्मूलाज हमने यहां पर लिख दिए हैं, अब हम क्या करेंगे ये मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूं ताकि हम इनको सेपरेट जो है वो सॉल्व करें यहां पर। तो क्या करेंगे बेटा यहां से b हमारे पास क्या है, नाउ b क्या है पहले यहां पे b एलिमेंट b अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं, माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 1, ठीक है। और इधर हमारे पास है जी a मैट्रिक्स और a हम क्या लिखेंगे यहां पे 4 0 माइनस 1 2 ले जी यहां से हमने ये लिख दिया। अब बचे हमारे पास क्या आ जाएगा b का इनवर्स, पहले b का डिटरमिनेंट लेंगे जी हम यहां पे दरमियान में आप लोग लिख लेना टेकिंग डिटरमिनेंट माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 1, ठीक है। पहले डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 इंटू माइनस 1 दरमियान में माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा 6, ये b का डिटरमिनेंट आ गया।
अब ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो यहां पे भी आप लिखेंगे कि टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड 4 -1 0 और 2, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। अब पहले ये डायगनल एलिमेंट्स 4 × 2 − × −1 × 0, 4 × 2 = 8, और माइनस ये वैसे 0 हो जाएगा, तो ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया ए का, बी का भी आ गया और ए का भी आ गया। अब हमें दोनों का क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एंड यहां पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि इस तरफ हम बी को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए जी, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है, बी है जी, ये देखें पहले इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी इनके एलिमेंट्स चेंज होंगे, −1 −4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इनके एलिमेंट्स चेंज, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 और −1। चलो बच्चों, इसको और आप ध्यान रखिएगा कि क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, 1 नंबर 6 8 और 3। अब जगह नहीं है तो इसलिए मजबूरन मिटाना पड़ रहा है। चले जी, अब हम एक तरफ हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया, और वो क्या है जी हमारा, यहां से एडजॉइंट ऑफ ए देखें, 2 4 की जगह चेंज हो जाएगी 2 4। अब 0 के साथ तो साइन आना नहीं है, ये माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा। ले जी, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गए और उनके एडजॉइंट भी आ गए, तो अब इनमें पुट कर देंगे हम इनको, तो यहां से आगे इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3, और यहां हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 4। ले जी, तो इक्वेशन नंबर 3, बी का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट −1 2 − 1 − 4, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, व्हाट इज इट, व्हाट वाज द डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स, 6, इधर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6, अलग कर लिए जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, और ये −1 − 4। अब यहां पर ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, यहां लिखा जाएगा, एंड व्हाट वाज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड दैट वाज 8, तो यहां आ जाएगा 8। सो यहां पे ए इनवर्स कैसे लिखेंगे, अब हम 1/8 को अलग कर लेंगे, और ये आ जाएगा 2 0 1 4। ले जी, ए का इनवर्स भी आ गया और बी का इनवर्स भी आ गया, तो क्या हमने अब करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। सो नाउ ये हमारा लास्ट काम है, बी इनवर्स ए इनवर्स, दिस इज बी इनवर्स, 1/6 इधर आ जाएगा, −1 2 − 1 − 4, ए इनवर्स 1/8 2 0 1 4। ले जी, तो ये 6 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 6 8 48, तो 1/48 हो गया साइड पे। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स यहां पर मौजूद है, 2 0 1 4, ठीक है बच्चे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/48, और इधर आएगा −1। अब ये वैसे ही रो टू कॉलम, −1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ −2 आएगा सॉरी। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से, −1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8। फिर इस रो को इस कॉलम से, −1 को 2 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 2, दरमियान में प्लस, −4 को 1 से मल्टीप्लाई करें −4 आ जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब आप −1 को 0 से करेंगे 0, ठीक है, और जब आप इस −4 को 4 से करेंगे माइनस का 16 आ जाएगा। चलिए बाकी काम इधर करते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, इसको जरा फटाफट से नोट कर लें, बाकी काम जो है इसका वो हम यहाँ पे करते हैं, फटाफट नोट कर लें, बस पॉज कर लें और इसको नोट कर लें ताकि हम अपना अगला काम कर सकें। ले जी, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ इसको नोट कर लें शाबाश जल्दी से। चले, अब हम जो हमारे 2-3 स्टेप रह गए हैं क्वेश्चन के, वो हम यहाँ पे करते हैं। तो बेटा जी, यहाँ पे ये प्लस और माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/48, ठीक है,
और इधर आएगा जीरो। तो यहां पे 0 प्लस 8 8 आ गया, ठीक है। -2 -4 -6 एंड 0 -16 -16। अब ये डिवाइड हो रहा है तो अंदर पड़े हुए हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। ये 0 डिवाइडेड बाय 48 -6 डिवाइडेड बाय 48 8 डिवाइडेड बाय 48 एंड -16 डिवाइडेड बाय 48। ले जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये वैसे ही हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये 1 एंड 6 1 बाय 6 1 एंड 8 -1 बाय 8 1 एंड 3 -1 बाय 3। तो जहां पे आपने भी थोड़ी देर पहले नोट किया था वहां पे हमारी इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें और अब इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करें, वो क्या है, दोनों वो सेम है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 नहीं, वो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, फिर 3 4 और ये 5। ले जी, अब हमें ये पता चला कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो फटाफट से जरा इसको नोट कर लें, ये हमारा बाकी काम भी यहां पर हो गया ताकि हम अपनी लास्ट डिस्कशन करें। जी बच्चों, तो क्या किया आज हमने, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया, सिर्फ हमने 3 क्वेश्चंस जो है वो आज हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। हम बार बार वही काम करते गए जो हमने लास्ट में किया था, एडजॉइंट लिया, डिटरमिनेंट लिया और इनवर्स लिया। इन तीनों के अलावा हमने अभी आज कोई काम यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बेटा, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आप लोग अपने रजिस्टर्स जो है वो लाजमी बना रहे होंगे ताकि आप लोगों को बोर्ड के पेपर में तैयारी करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो मेक श्योर बेटा यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन। फेम अल्लाह हाफिज़।